दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में आज का दिन एक काले दिन की तरह है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज जो फैसले संसद भवन से आए वो काफी चौंकाने वाले थे और काफी परेशान करने वाले थे। आपको मालूम है कि कल किस तरह से दो घुसपैठिए जो है वो लोकसभा के अंदर चले गए भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के पास के जरिए। उन्होंने पास दिया था और उसी के जरिए वो जो दो लोग थे, सागर शर्मा और मनोरंजन, वो दोनों जो है लोकसभा के अंदर जब सत्र चल रहा था उस दौरान वो जो है छलांग लगा करके डेस्क पे कूदे और वो जो है स्पीकर की तरफ दौड़ रहे थे और उसने एक स्प्रे का इस्तेमाल किया और पूरे संसद भवन के अंदर में जो है वो धुआं धुआं कर दिया। और एक ऐसी खबर सामने आई इस वीडियो के देखने के बाद, लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने सोचा कि न जाने क्या हो जाएगा। वो तो शुक्र था कि इन दोनों लोगों के हाथों में कोई हथियार नहीं था। उन लोगों ने जो स्प्रे का इस्तेमाल किया वो कोई जहरीला स्प्रे नहीं था, वरना हमारे जो चुने हुए सांसद थे उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और वो भारत के लिए फिर 22 साल पुरानी एक पुराना जो जख्म था वो संगीन हो सकता था और उस जख्म के याद में एक और नया जख्म हमारे मुल्क के लोगों के अंदर जो है कह सकता है कि एक नई जख्म आ जाती और उस जख्म के जरिए हमारे देश की डेमोक्रेसी पर, हमारे देश के संविधान पर एक बड़ी चोट होती। लेकिन वो तो शुक्र था कि उन लोगों के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था। दो लोग बाहर थे, दो लोग अंदर थे, तीन लोग बाहर थे और एक कहीं और था, जिसमें हमने आपको बताया कि मनोरंजन और सागर अंदर थे, अमोल और जो नीलम थी वो बाहर थी जो नारे लगा रही थी, एक और लड़का था ललित झा था, एक विक्की था। ये इन सारे लोगों ने एक प्लान बना करके आपने देखा कि कल किस तरह से संसद भवन के अंदर और बाहर जो है नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया, जो कि बिल्कुल गलत था और वो किसी आतंकवादी हमले की तरह था। इस पूरे मामले के बाद एक बड़ा कहा जा सकता है बहुत बड़ी चूक हुई सुरक्षा में। लगभग सैकड़ों जो सुरक्षा कर्मी है वहां पर, उन लोगों ने नहीं देखा और किस तरह से ये लोग अंदर चले गए। इस पूरे मामले को लेकर के विपक्षी दल जो है, विपक्षी पार्टी जो है वो विरोध कर रही थी और प्रधानमंत्री से और होम मिनिस्टर से जवाबदेही चाह रही थी कि वो लोग इस पूरे मामले पर बयान दे, वो खुल करके कहे कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, ये सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई है और इसको लेकर के वो क्या कुछ कहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के विपक्षी दल जब विरोध प्रदर्शन कर रहा था, जब उसने आवाज उठाई, तो हद है कि आज पूरे पंद्रह सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक धब्बा नहीं है तो क्या है कि सवाल पूछने पर अपना जो कहा जा सकता है हिसाब मांगने पर, मांग रखने पर आप उन्हें सस्पेंड कर दे रहे हैं। और उनमें एक सांसद को तो ऐसे सांसद को सस्पेंड कर दिया गया जो जनाब पहुंचे ही नहीं थे, जिनका दूर दूर तक कोई मामला नहीं था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अभी सूचना मिली है कि जो लोकसभा के तरफ से ये लेटर जारी किया गया है कि गलती हो गई है और उनका नाम गलती से आ गया, नाम में मसले हो गए जब भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तब एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा को सस्पेंड करना चाहिए था कि आखिर उन्होंने ऐसे लोगों को पास क्यों दिया जिसने संसद के अंदर आकर के घुसपैठी की और उसके बाद संसद के लोगों के साथ, सांसदों के साथ वो कुछ भी कर सकता था, वो जान ले सकता था, वो घायल कर सकता था, वो बम मार सकता था, वो बंदूक चला सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन उनको सस्पेंड नहीं किया गया, 15 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। वाह रे डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का ख्याल रखने वाले लोग, जिस डेमोक्रेसी की बात हम लोग करते हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी है, लेकिन बहुत अजीब बात है कि हमारे यहां सांसदों के सवाल पूछने पर पाबंदियां हैं। पाबंदियां ऐसा है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। 9 अलग अलग कांग्रेस के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें दोस्तों कि इन लोगों को, दिस इज नॉट जस्ट एन अटैक ऑन द अपोजिशन बट एन अटैक ऑन द वेरी एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। 9 कांग्रेस एमपी सस्पेंडेड फ्रॉम लोकसभा, जिसमें जो नाम है राम्य हरिदास, ज्योति मणि, हीबी ईडन, टी एन प्रथपन, डीन कुरिया कोसे,
मनिकम टैगोर, मोहम्मद जावेद बिहार के हैं, आप जानते हैं किशनगंज से, बेन्नी बहनान और वी के श्रीकंदन, इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। ये कांग्रेसी नेता हैं। और इन लोगों को सस्पेंड क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने सरकार से आंख मिलाकर सवाल पूछा। वाह वाह रे हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब, राज्यसभा के स्पीकर साहब, आप ऐसे फैसले लेंगे? आपको तो चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के उन सांसद साहब से सवाल पूछते, उन्हें सस्पेंड करते, उनके ऊपर कार्रवाई करते कि आखिर उन्होंने कैसे उन लोगों को पास दे दिया जिन्होंने आकर के पूरे संसद भवन के अंदर हंगामा कर दिया। और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई कि भारत के सबसे बड़े पंचायत के अंदर एक बड़ी घटना होने वाली थी। दोस्तों, आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों को परेशान करने की कोशिश है और सरकार से सवाल पूछना एक जुर्म बन गया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।